हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त समीर मेकर और आप देख रहे हैं समीर मेकर ए टू जेड रिपेयरिंग चैनल। तो हमारे पास देख सकते हैं आज ये टेबल फैन का स्टेटर है, तो इसको हम फुल रिपेयरिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों इंची से हम नाप लेते हैं, उसका 2 सेंटीमीटर है और इसका इनर डाया 2 इंची है और इसका आउटर डाया 3 इंची है दोस्तों। तो हमने इसमें दोस्तों कॉइल बैठेगा रनिंग का, सार स्टार्टिंग का सार हमने कंप्लीट बना लिया है, 2 सेट बैठेगा इसमें। और दोस्तों इसमें रनिंग का टर्न है दोस्तों 665 टर्न और इसमें लगाया है दोस्तों, इसमें भी 665 टर्न है। ये दोस्तों गैस नंबर है 35 नंबर और ये सॉरी दोस्तों ये 37 नंबर है, ये 37 नंबर गैस हमने दोस्तों रनिंग का डालेंगे, हम 37 नंबर गैस डालेंगे और स्टार्टिंग में दोस्तों रहेगा 37 नंबर। तो कॉइल स्टार्टिंग का पहले जो हम रनिंग का कॉइल डालेंगे, एक कॉइल डालकर हम ये जो पीवीसी का जो टुकड़ा हमने खुद बनाया है दोस्तों ये भी डाल देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग और रनिंग बीच में शॉर्ट ना हो, तो इसलिए ये डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये भी सार डलेगा स्टार्टिंग का रनिंग का सार कॉइल के साथ। और दोस्तों इसमें ख़ास बात ये है दोस्तों, इसमें हम वायर काटा नहीं है, क्योंकि यही वायर हम डालेंगे इसमें। पहले दोस्तों ये कॉइल उठा लेते हैं, दोस्तों वायर हमें काटना नहीं है दोस्तों, सिर्फ रनिंग का दोस्तों 2 सिरा निकल के आएगा दोस्तों। तो दोस्तों बीच में 2 ही स्लॉट खाली छोड़ेंगे, एक से सार में डालेंगे हम, एक से सार में बीच में 2 ही स्लॉट खाली छोड़ना है दोस्तों। तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकती हो, लेकिन बीच में 2 ही स्लॉट खाली छोड़ना है। इसी तरह एक पेपर उठाएंगे, इसी तरह पेपर डालकर हमको ये जो पीवीसी का टुकड़ा है इसमें कॉइल के ऊपर लगा देना है। इसी तरह कॉइल डालते जाएंगे, इसी तरह घुमा लेते हैं, क्योंकि कॉइल डालने में थोड़ा आसान हो दोस्तों। बीच में 2 ही स्लॉट खाली छोड़ना है। लास्ट में जो हम पीवीसी का टुकड़ा हम बनाया है वो इसमें लगाकर एक्स्ट्रा पीवीसी का जो टुकड़ा है वो डाल लेना है। तो इसी तरह एक नंबर कॉइल हमारा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों एक नंबर कॉइल हमने बिठा दिया है, ये हमारा इनर वायर
जो लेफन की तरफ निकल के आया है इनर वायर, और यह हमारा बसा हुआ है ये आउटर वायर हमारा राइट हैंड की तरफ दूसरी कॉइल के साथ जुड़ गया है। तो दोस्तों इसी तरह हम दूसरा कॉइल लेना है, वायर हमने काटा नहीं है, तो किस तरह से डालेंगे हम ये वायर को। तो दोस्तों ये जो हमारा इनर वायर है ये इस तरफ डालेगा, इसी तरह लेते हैं, इस तरफ डालेगा इनर वायर। तो दोस्तों वही बीच में दो स्लॉट खाली छोड़ना है, स्टेटर को हम इसी तरह घुमाकर इसको भी डाल देना है। तो दोस्तों देखिए हमारा जो ये इनर वायर, पहले का कॉइल का इनर वायर और जो हमारा आउटर वायर निकला था यहाँ से दूसरे कॉइल की आउटर से जुड़ गया है, और दूसरे कॉइल की जो आउटर दूसरे कॉइल के साथ जुड़ गया है और हमारा ये आउटर निकल के आया है। तो हम तीसरा कॉइल उठा लेते हैं, तो दोस्तों तीसरा कॉइल का जो आउटर हमारा इस स्लॉट में आएगा दोस्तों, बीच में दो स्लॉट खाली छोड़ के एक से चार में ही सारे के सारे कॉइल डल जाएंगे दोस्तों, इस स्लॉट में आएगा। और हमारा जो आउटर लास्ट वाला कॉइल में जुड़ गया है, ये वाला लास्ट वाला कॉइल में जुड़ गया है, वो हमारा यहाँ से निकलेगा। दोस्तों आसानी से डल जाता है, इसमें 650 टन है, लेकिन आसानी से डल जाता है,
क्योंकि जो स्टेटर का जो होल है वो काफ़ी बड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। फिर से हम इस तरह घुमा लेते हैं और ये लो दूसरे भाई, साइड हम तो दोस्तों इस तरह हम डाल देते हैं। वही दोस्तों बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ के डालना है। तो दोस्तों हमारा कम्प्लीटली 3 कॉइल डालकर कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों ये जो हमारा आउटर निकला था दूसरे वाले, ये इस साइड से आउटर से इस साइड का कॉइल से जुड़ गया है, और हमारा आउटर इस तीसरे वाले कॉइल का इस साइड से हमारा निकल के आया है। तो इस साइड से आउटर हमारा इस तरफ जाएगा, इस तरफ से इस तरफ जाएगा। तो इसी तरह हम कंप्लीट कर देते हैं। क्योंकि इसी तरह बनाने का मकसद दोस्तों जो सोल्डरिंग करने का कोई झंझट नहीं रहता, कॉइल को ज्वाइन करने का कोई झंझट नहीं रहता है दोस्तों। तो इसी लिए हम यही बेहतर माना है दोस्तों, क्योंकि इसमें तो फिर से हम यही पेपर डाल देते हैं। तो दोस्तों हमारा एक सेट डालकर कंप्लीट कर दिया है हमने। तो दोस्तों
ये हमारा पहला कॉइल है दोस्तों, ये हमारा पहला कॉइल का इनर वाली सिरा ये वाला है, और दूसरे सिरा हमारा इस तरफ निकल के आया है। दो स्लग इसमें खाली छोड़ के हमने एक से सार में डाला था, तो यहाँ से इनर वायर निकल के आया है। आउटर हमारा इस वाले साइड से दूसरे कॉइल के साथ इस दूसरे कॉइल के साथ अटैच हो गया है। बीच में एक साइड छोड़ के दूसरे साइड कॉइल के साथ अटैच हो गया है जो हमारा इनर वायर, ये बस गया है आउटर से दूसरे वाले कॉइल की इस वाले एक बीच में एक साइड छोड़ के दूसरे साइड ज्वाइन हो गया है। और जो हमारा दूसरा वाले कॉइल की जो आउटर इस तरफ से निकल के आता है इस साइड से, तो इस साइड से बीच में एक साइड छोड़ के इधर दूसरे वाले कॉइल की जो आउटर एक साइड छोड़ के दूसरे साइड से तीसरे वाला कॉइल की दूसरे साइड से जुड़ गया है हमारा ये वाला, देख सकते हैं ये वाला सीधा। और जो हमारा आउटर वाला सिरा इस साइड से निकल के आता है, तो इस साइड का जो आउटर सिरा है हमारा दूसरे वाले कॉइल की एक साइड छोड़ के दूसरे वाले कॉइल पे जुड़ गया है। तो इसी तरह हमारा कंप्लीट हो गया है। और जो हमारा इनर वायर इस तरफ एक निकलता है और एक साइड छोड़ के दोस्तों इस तरफ निकल के आया है दूसरा वाला सिरा, देखिए दो ही सिरा निकल के आया है दोस्तों, कोई सोल्डरिंग करने का कोई झंझट नहीं है, टूटा हुआ कोई झंझट नहीं है। तो ये कि वायर से हम इसको लपेटा है दोस्तों, सोल्डरिंग करने का कोई झंझट नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह सारा कॉइल हमारा इंस्टॉल होके कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको सेट कर देते हैं, इसी तरह दो उंगली की मदद से बीच में डालेंगे दो उंगली और दो रहेगा ऊपर की तरफ, इसी तरह हम सेट करके अच्छी तरह से सेट कर देंगे। सारों के सारों कॉइल देखने में बढ़िया होगा। इसी तरह चारों के सारे कॉइल सेट कर लेना है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों बढ़िया सुंदर से हमारा चारों के चारों कॉइल सेट कर दिया एक साइड, और दूसरे साइड हम सेट कर देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमारा कंप्लीटली हो ही गया दोस्तों।
तो दोस्तों देखिए, हमारा जो पेपर हमने डाला था, रनिंग का कॉइल सेप कर दिया है, यानी जो हम स्टडिंग कॉइल जब डालेंगे तब रनिंग से स्टडिंग से अटैच नहीं होगा दोस्तों। तो इसीलिए हम यही बेहतर मान लेते हैं ये पेपर अपने हाथ से बनाने और डालने में बहुत आसान होता है दोस्तों। तो कंपनी की तरफ से जो एल्युमिनियम का जो वायर होता है दोस्तों, इसमें वैसे ही वाला पेपर डाला होता है। हम वैसे ही वाला पेपर एक नाप लेकर काट लिया है और दूसरे वाले को हम तैयार कर दिया है। तो बहुत सुंदर से हमारा कॉइल इंस्टॉल होके कंप्लीट हो गया है। तो अभी हमको डालना है स्टार्टिंग का कॉइल। तो पहला स्टार्टिंग का कॉइल एक सेट उठा लेते हैं। हेलो, हाँ, डेढ़ घंटा ना क्या नहीं, हेलो करते ना, सिंधुला तो दोस्तों इसमें जो डालना है कॉइल वो पहले की जैसे ही डालना है दोस्तों। बीच में दो ही स्लॉट खाली छोड़ के डालना है। तो दोस्तों ये अब समझ लीजिए, ये हमारा इनर वायर है और लेफ्ट हैंड की तरफ ये हमारा आउटर जो दूसरी कॉइल के साथ जुड़ गया है वो हमारा राइट हैंड की तरफ ही रहेगा। तो इसी तरह डालते चलना है, हैंडेड बनाए तो लगे। तो इसी तरह तो दोस्तों हम फिर से स्टेटर को इसी तरह हम घुमा लेते हैं और दूसरे साइड हम डाल देते हैं। दोस्तों ये आसानी से डालता है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह डाल के पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है कॉइल के ऊपर। स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में जो हमने पीवीसी पेपर डाला था, इसमें वो झंझट नहीं है दोस्तों, सिर्फ कॉइल डालते चलना है। तो ये हमारा हो गया है इनर वायर राइट लेफ्ट हैंड की तरफ। ये राइट हैंड की तरफ जो हमारा आउटर वायर दूसरे कॉइल के साथ अटैच हो गया है, वो हमारा कॉइल इस सिरा में जाएगा। ये जो खाली सिरा देख रहे हैं आप, इस सिरा में जाएगा। तो दूसरा कॉइल उठा लेना है हमको। तो दोस्तों ये हमारा थोड़ा सा ये वायर हमको लंबा रखना है, क्योंकि इसमें से रेगुलेटर निकल के आएगा। रेगुलेटर जो वायर है, हाई स्पीड का, लो स्पीड का, मीडियम का,
यही वायर के साथ जोड़ देना है, क्योंकि इसको हम तोड़ना नहीं है, क्योंकि यही से हमको जोड़ के बाहर निकालना है। সেন্সার আসছিল ওটা শেষ হয়ে গেছে, মাত্র দুই পিসের মধ্যে থেকে এক পিস ভালো আসলো, ওই যে তোমার মোটর যে লাগাই দিলাম, তারপর আর সেন্সার আমার কাছে আনি নাই। তারপরে ওটা পিলপিলি মেকারে ডাকো বেশি ভালো হইব, ওটা মেজারমেন্ট আছে একটা, ওই মেজারমেন্টটা হিসাবে লাগাই দিব। तो दोस्तों इसी तरह हमारा दूसरा भी कॉइल डालकर कंप्लीट। दूसरा कॉइल भी डालकर हमने कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। राइट हैंड की सिरा हमारा दूसरे वाले कॉइल की राइट हैंड की तरफ ही आया है, और हमारा जो आउटर जो निकला है दूसरा कॉइल के साथ अटैच हो गया है। अब तीसरे वाले कॉइल को हम हाथ में ले लेते हैं। दोस्तों ये वायर भी हमको थोड़ा लंबा रखना है, क्योंकि ये वायर के साथ भी एक वायर आएगा। तो फिर से हम स्टेटर को इसी तरह घुमा लेते हैं। कॉइल डालने में दोस्तों आसान होगी। वही दोस्तों बीच में दो स्लॉट खाली छोड़ के इसको भी डालना है। इसमें दोस्तों आरपीएम होगा 1440 आरपीएम। तो हमारा लास्ट वाला कॉइल बच जाता है। तो दोस्तों लास्ट वाला कॉइल हम डाल देते हैं।
फिर से हम इसी तरह घुमा लेते हैं और लास्ट वाला जो हमारा स्लाट जो बच जाता है उसमें डाल देते हैं। इसी तरह दोस्तों हमारा कम्प्लीटली सारों के सारों कॉयल इसी तरह हमारा सोता वाली कॉइल भी कंप्लीट हो गया है डालकर। तो दोस्तों इसी तरह हम पहले जिस तरह हमने कॉइल डाला था उसी तरह दोस्तों ये भी कॉइल हमने डाल लिया है। तो इस तरह हम सिलाई करके कंप्लीट कर देते हैं, फिर कनेक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो दोस्तों यही वाला धागे से हम इसको बांध देते हैं। यहाँ पे एक गांठ मारना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये वायर सूट धागे सूट ना जाए, तो इसीलिए पहले एक गांठ मार लेना है और इसी तरह सिलाई करते जाना है दोस्तों। साखा बा সিলভারের নিজে কারেন্টের কাম করে কারেন্টের দুটি কয় মেলা বেসাই আমি শুনতলা বেসাই অর্থাৎ যেটা ডিও সাথে থাকে ওই বেসাবেদ দেয় যেটি রোগতারা অফিসের মেন মানুষ উনি বেসাবেদ দেয়। কালকে আমার ওতে গেছিল পাঁচটা আছে গেটের সময় দেখি যাব। তো এক সাইড আমার কমপ্লিট হয়ে গেয়া, বানকার কমপ্লিট কর দিয়া হ্যাঁ। তো তিসরি তরফ কানেকশন কে তরফ হমনে फ्रंट साइड हमने सिलाई करके कंप्लीट कर दिया है दोस्तों, कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों कनेक्शन की बारी। तो दोस्तों हम हमारा स्टेडिंग कॉइल तो ये हो गया दो सिरा, रनिंग कॉइल का ये हो गया दो सिरा। तो दो सिरा छोड़ के हम रनिंग का बात करेंगे। तो सॉरी दोस्तों ये रनिंग का छोड़ेंगे दो सिरा छोड़ के स्टार्टिंग का बात करेंगे हम। जो स्टार्टिंग का ये दो सिरा निकल के आया है दोस्तों, देख सकते हैं दो सिरा, ये रनिंग का है, ये स्टार्टिंग का है और स्टार्टिंग का ये सिरा आया है और दूसरा ये दो सिरा। हम इस सिरा छोड़ के इस सिरा हम यहाँ से अंदर में रखेंगे और रनिंग का और स्टार्टिंग का दोनों मिलाकर हम एक कमन बना देंगे।
ये हो गया हमारा कमल, और यहाँ पे आएगा डायरेक्टली एसी पे जाएगा 230 बॉल। यहाँ पे जाएगा दोस्तों कंटी सर, यहाँ पे कंटी सर और 230 बॉल। यहाँ पे एक वायर आएगा, यहाँ पे एक आएगा इनर, और इस सिरा रनिंग का हो गया है हमारा स्टडिंग का। हमारा एक सिरा बचता है, एक सिरा में आएगा दोस्तों कंटेसर का जो कैपेसिटर है वो वायर इसमें आएगा। और बारी आती है दोस्तों हाई और लो स्पीड की, तो हमारा तो हाई स्पीड हो गया है, ये हो गया हमारा मीडियम जो इस सोले में, और इस ये हमारा कॉइल का एक सिरा, ये हमारा दूसरा सिरा बाहर निकल के आया है, और दूसरा वाला कॉइल के सिरा से इस तरफ से निकल के आया है। ये हमारा हो गया मीडियम, और लो हो गया हमारा इस सोले से बाहर निकल के आया है दूसरा वाला कॉइल की, और तीसरे वाले कॉइल की इस सोले साइड से बाहर निकल के आया है। ये हो गया हमारा कनेक्शन का कनेक्शन, तो हम कम्प्लीटली कनेक्शन समझा दिया है दोस्तों। और थोड़ा कन्फ्यूज हो तो हमारा कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि हम अच्छी तरह से समझने की समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आज के वीडियो, तो दोस्तों ये वीडियो आपको देख के कैसे लगा ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट पे, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, हमारा चैनल पे बहुत सब्सक्राइब कम है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करो भाई वीडियो को इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।